नमस्कार दोस्तों, साहित्य सुधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया, साहित्य सुधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे अपने देश की जो भाषाएं हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इनको प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोग अपनी भाषाओं को भूले नहीं और इनको यूज़ करते रहें। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपको संस्कृत के कुछ श्लोक हिंदी और इंग्लिश अर्थ के साथ बताने वाला हूँ। तो बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है श्लोक, और ये जो श्लोक है ये आज से हज़ारों साल पहले लिखे गए थे और ये आज भी उतने ही यूज़फुल हैं और जितने उस ज़माने में थे, और बाद में भी उतने ही यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इनमें हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का कितना इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, एक एक करके सारे श्लोकों को समझते हैं। पहला श्लोक है दोस्तों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, और दूसरी लाइन है इसकी, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मैं फिर से श्लोक आपको बताता हूँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसकी मीनिंग पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में इसकी मीनिंग आपको बताऊँगा। इसकी मीनिंग ये है कि अगर हमें किसी भी काम को करना हो, मुझे, आपको, किसी को भी, तो कोई भी काम बिना कड़ी मेहनत के किए हुए पूरा नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन उसको जाके करें नहीं, तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बात कैसी है? ये बात वैसी ही है जैसे अगर कोई शेर सोया हुआ है, कोई सिंह या कोई शेर सोया हुआ है, तो सोए हुए शेर के मुँह में हिरण अपने आप नहीं चला जाता कि तुम मुझे खा लो। शेर को भी उसका शिकार करना पड़ता है, उठ के छलांग लगानी पड़ती है, और कई 20 बार जब वो ट्राई करते हैं, उसमें से 3 या 4 बार ही कामयाब होते हैं। ये जितने भी शिकारी जानवर हैं, ये जब 15 से 20 बार शिकार करने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल से 3 या 4 एफर्ट्स में उनको कामयाबी मिलती है, उनको सफलता मिलती है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है कि उद्यमे न ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब मैं आपको इसकी इंग्लिश में मीनिंग बताता हूँ। तो इंग्लिश में मीनिंग है दोस्तों कि ऑल द वर्क, या एनी वर्क, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, कि ऑल द वर्क इज अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मीनिंग होता है अच्छे तरीके से किसी बात को, काम को पूरा करना। सो ऑल द वर्क इज अकम्प्लिश्ड बाय हार्ड वर्क। यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करके ही कामों को पूरा किया जा सकता है, एंड नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम। हम काम के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, तो उससे काम नहीं होगा, हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? एज द डियर, डियर का मतलब है हिरण, एज द डियर डज नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन, जैसे एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद से नहीं चला जाता कि तुम मुझे खा लो, वैसे ही बिना कड़ी मेहनत के कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता अगर हम सिर्फ सोचते रहें उसके बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत इसकी मीनिंग थी। और दूसरा श्लोक आपको बताता हूँ मैं, दूसरा श्लोक भी ऐसा ही बहुत ही कमाल की इसकी मीनिंग है। तो ये श्लोक है दोस्तों, देखिए, अलसस्य कुतः विद्या, अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, और है अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ क्या है? इसकी मीनिंग है कि जो लोग आलस करते हैं उनको कहाँ, कुतः विद्या, उनको विद्या कहाँ से मिलने वाली है। विद्या का मतलब है किसी भी तरह का ज्ञान, कोई भी स्किल जो हम हासिल करते हैं पढ़ाई लिखाई करके, या कुछ भी सीख के, कोई टेक्निकल काम सीख के, कोई ना कोई कला तो, कोई ना कोई स्किल तो हमारे पास होनी चाहिए ना, तभी तो हम पैसा कमा सकते हैं, तभी अपना घर चला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, संवार सकते हैं। तो वही कहा गया कि अलसस्य कुतः विद्या, जो आलस करेगा उसको विद्या नहीं मिल सकती, अविदस्य कुतः धनम, जो जिसके पास ज्ञान ही नहीं उसको धन नहीं मिल सकता कहीं से, वो अमीर नहीं बन सकता, एंड अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो गरीब आदमी है, उसे कौन दोस्ती करना चाहेगा, उससे सब उसको भगाते दूर, सब अमीर से, अच्छे लोग, जो ऊंचे कद के लोग हैं उनसे सब लोग दोस्ती करना चाहते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। एंड अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र ही नहीं है, दोस्त ही नहीं है, उसके जीवन में, उसकी ज़िंदगी में क्या खुशी रहने वाली है। तो कितनी, आप देख, कितनी गहरी, कितनी डीप इसकी मीनिंग है। और अब मैं आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताता हूँ। ही हु इज़ लेज़ी, वो आदमी जो लेज़ी है, जो आलसी है, कैनॉट गेट नॉलेज, उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान, कोई भी नॉलेज उसको मिल नहीं सकती। ही हु हैज़ नो नॉलेज, और वो आदमी जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, कैनॉट बी रिच, वो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास कोई स्किल है ही नहीं, तो कहाँ से पैसे कमाएगा। पैसे कमाने के लिए स्किल का होना ज़रूरी है, कैनॉट बी रिच। और उसके बाद कहा गया कि ही हु इज़ नॉट रिच, और वो इंसान जो अमीर नहीं है,
cannot have friends, उसके दोस्त नहीं बन सकते, and he who does not have friends, और जिसके दोस्त नहीं हैं, cannot be happy, वो खुश नहीं हो सकता, यानी उसकी ज़िंदगी में सुख नहीं होगा, सुख नाम की चीज़ नहीं होगी, उसको कोई खुशी नहीं मिल सकती, मिलेगी भी तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत कम मिलेगी, तो ऐसा कहा गया। तो आप देख रहे हैं कितनी कमाल की मीनिंग है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप आगे भी इस तरह के श्लोक मुझसे सुनना चाहते हो, गज़लें सुनना चाहते हो, नज़में, कव्वालियाँ मैं आपको सुना ही रहा हूँ, सब कुछ हिंदी की कविताएँ, रचनाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको फिर से कमाल की कोई बात बताने की कोशिश करूँगा, कोई कविता, कोई गज़ल, कोई श्लोक, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को सीखें। संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है, और संस्कृत से दुनिया की आधी से अधिक भाषाओं का जन्म हुआ है, और संस्कृत के लिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, वैज्ञानिक भाषा है। तो दोस्तों संस्कृत सीखने की भी कोशिश की जा सकती है। किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है, जितनी भाषाओं को सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।